आज एनसीबी की टीम ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा से बातचीत की थी। इस बातचीत को लेकर करिश्मा ने काफी खुलासे किए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में खुलासा किया है, कब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना, क्यों ये बना, क्या क्या इस ग्रुप में बातें होती थी और सबसे बड़ी चीज ड्रग्स के बारे में भी खुलकर बात की कि कब कब कितना कितना और कौन सा ड्रग उन्होंने दीपिका पादुकोण को पहुंचाया। क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताती हूँ। करिश्मा ने इस पूछताछ के दौरान बताया कि ये जो ग्रुप है ये कौन कंपनी का वर्किंग ग्रुप था जिसमें दीपिका थी, करिश्मा थी और जया साहा थी। इन तीनों लोगों का ये व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें वर्क रिलेटेड बातें शेयर करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें ड्रग्स का मामला भी आ गया। आपको बता दें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो एडमिन थी वो खुद दीपिका पादुकोण ही थी। जिस तरह की बातें इस व्हाट्सएप ग्रुप में हुई ड्रग्स को लेकर, उससे ये जरूर समझ में आता है कि ये जो टैलेंट एजेंसीज होती हैं ये एक्टर्स को इतनी सर्विस भी देती है कि उन्हें किस ड्रग की जरूरत है वो भी उन्हें मुहैया करवाती है। इनफैक्ट अपनी बातचीत के दौरान करिश्मा ने इस बात को कबूला है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 बार दीपिका पादुकोण को उनके कहने पर ड्रग्स मुहैया करवाए हैं। करिश्मा ने बताया है कि इससे पहले भी 2 बार वो दीपिका को मारिजुआना नाम का जो ड्रग है वो पहुंचा चुकी है। करिश्मा ने ये भी अपने बयान में बताया कि जया साहा जो है वो ही ड्रग्स अरेंज करती थी, वो ही पेडलर्स के कांटेक्ट में थी और उन्हीं के थ्रू ड्रग्स आया करता था जिसके बाद इनको स्टार्स तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए कहा जाता था। हालांकि करिश्मा ने ये कहा है कि उन्होंने कभी भी खुद अपनी आंखों से दीपिका को ड्रग्स करते हुए नहीं देखा है। Well, अगर ऐसा है तो फिर दीपिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही ड्रग चैट सामने आई है। करिश्मा ने कहा है कि इससे पहले भी वो दीपिका को कई बार ड्रग्स दे चुकी है, तो ये बात क्लियर होती है कि दीपिका रेगुलर बेसिस पर ड्रग्स खरीदती थी। अब ये ड्रग्स वो किस लिए खरीदती थी ये पता एनसीबी लगाएगी। कल दीपिका को एनसीबी के सामने हाजिर होना है, जिसके लिए उन्होंने उनकी टीम की तरफ से कंफर्म भी किया गया कि दीपिका जो है वो एनसीबी के दिए गए टाइम पर हाजिर होंगी और पूछताछ के लिए तैयार है।